उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो गई है। इसके लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे, इसलिए कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है। पर्यटन सचिव सचिन कुलवे के मुताबिक एक दिन में 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16,000 लोग बद्रीनाथ धाम, 9,000 श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11,000 लोग गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। यानी चारों धाम में रोजाना 51,000 लोग दर्शन करेंगे। पिछले साल रोजाना 60,000 से अधिक तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। ऋषिकेश के बाद यात्रियों को रोकने के लिए बैरियर कस्बे तय किए गए हैं। अगर कोई बद्रीनाथ जाना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले श्रीनगर में रोका जाएगा। अगर दिन के 15,000 की संख्या पूरी हो गई है तो श्रद्धालुओं को यही रात बितानी होगी और अगले दिन रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, पीपल कोटी और जोशीमठ में यही प्रक्रिया रहेगी। यानी जब नंबर आएगा तभी आगे बढ़ सकेंगे। केदारनाथ धाम के श्रद्धालु भी श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, उखीमठ, गौरीकुंड में रोक कर भी आगे बढ़ाए जाएंगे।